ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 22 दिसंबर 2022। आज बाबा ने विशेष याद का चार्ट रखने और स्वयं की चेकिंग करने के लिए कहा कि भल कर्म इंद्रियों से काम लेते रहो, परंतु एक बाप को याद करते रहो। इसको कहा जाता है हथ कार्डे दिल यार्डे। हम भल देखते हैं, परंतु बुद्धि का योग एक बाबा के साथ रहे। फिर कहा अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखे कि मेरी वृत्ति कहीं खराब तो नहीं होती है, बुद्धि चलायमान तो नहीं होती है। फिर बाबा ने आत्मा के मन की बात सुनाई कि आत्मा कहेंगी, स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो, हम उस सर्विस में ही बिजी हैं। और आपने डायरेक्शन दिया कि गृहस्थ व्यवहार में रहते, काम करते, घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। फिर कहा तुम रेगुलर याद नहीं कर सकते, माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएंगी, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। फिर बाबा ने बड़ा अनोखा हिसाब बताया। बाबा कहे इसको कयामत का समय कहा जाता है। बाकी सब आत्माएं हिसाब किताब चुक तो कर घर चली जाएंगी। मनुष्य दीपावली पर साल का फायदा नुकसान निकालते हैं, तुम्हारी है कल्प की बात। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है। फिर ट्रस्टी बनने के लिए कहा कि बच्चे कहते हैं श्री बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है। बाबा कहते मैं तुमसे लेता कुछ नहीं हूँ। बाप सिर्फ कहते हैं इससे ममत्व निकाल दो, ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो, बाकी मैं लेकर क्या करूँगा, तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवाए हैं। सुनते हैं आज के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो, खास याद में बैठो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो, खास याद में बैठो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला वायदा कौन सा सुनाया? उत्तर में बाबा ने कहा, पहला वायदा है सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान न हो। अर्थात बुद्धि किसी भी वस्तु व्यक्ति वैभव की तरफ आकर्षित न हो, एक बाप की याद रहे। अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है, इसमें आँख बंद करने की बात ही नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आँखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ कायदा है देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। अर्थात अपनी ऐसी स्थिति बनानी है जो आंखें खुली हो, सब देखते हुए भी मन बुद्धि और दृष्टि की स्थिरता बनी रहे। अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है। हम भल देखते हैं, परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है हथ कार्डे दिल यार्डे। बाबा योग में आंखें खोलकर बैठने के लिए क्यों कहते हैं, उसका भावार्थ बता रहे हैं। क्योंकि हम सभी आत्माएं कर्म योगी हैं, कर्म करते समय आंखें खोलकर करेंगे। तो अगर आंखें बंद कर याद करने का अभ्यास होगा तो बार बार ध्यान टूटता रहेगा, एकाग्रता नहीं बन पाएंगी। इसलिए आंखें खोलकर याद में बैठ ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है जो कर्म करते हुए भी वह स्थिति बनी रहे। कर्म इंद्रियों से काम लेते रहो, परंतु याद बाप को करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, हाथ से काम करती रहेंगी, परंतु बुद्धि में होगा कि मैं पति के लिए भोजन बनाती हूँ। तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्मा कहेंगी स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो, हम उस सर्विस में ही बिजी रहेंगे। और आपने डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते, काम करते, घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। तुम रेगुलर याद नहीं कर सकते। कोई कहे हम 12 घंटा याद करते हैं, बाबा कहे परंतु नहीं,
माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएंगी। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। माया याद करने नहीं देती हैं, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण जीत जगत जीत, राम भी जगत जीत थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आँखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रखनी है। देखना है मेरे को कोई चलाई मानी तो नहीं आती है। बाप को पूरा याद करना है, ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का हूँ ही, याद करने की क्या दरकार है। बाबा कहे परंतु नहीं, खास याद करना है। और यह नोट रखना है कि सारे दिन में हमने कितना समय याद किया। बाबा कहते हैं बच्चे होते हुए भी याद में रहना है, और साथ साथ चार्ट भी रखना है कि हमने बाबा को कितना समय याद किया, कितना समय हमारी बुद्धि एकाग्र रही। ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन यह यह किया। जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे, अच्छी चाल लिखते हैं तो पिछाड़ी वाले देख कर सीखे, बुराई लिखते तो उनको देख और भी बुराई सीखेंगे। अब बाप बच्चों को राय देते हैं कि तुमको चार्ट रखना है। नॉलेज तो बहुत सहज है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। उन्होंने यह पता नहीं कि बाप ने कौन सा योग सिखलाया था। भल कोई कोई अक्षर भी हैं, मन मना भव देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना यह तो रॉन्ग हो जाता है। कोई याद कर नहीं सकते, पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं मुझ बाप को याद करो, यह मेरी देह नहीं है, श्री कृष्ण की आत्मा तो कह न सके। निराकार बाप ही कहते हैं अपने को आत्मा अशरीरी समझो, तुम अशरीरी नंगे आए थे, उन्होंने फिर नांगे समझ लिया है, भक्ति मार्ग में अयथार्थ उठा लिया है। बाप ने कहा है अपने को देह से अलग समझो, देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनो। सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो, अभी यह अंतिम जन्म है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। सतयुग में देवताएं आत्म अभिमानी थे, उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सन्यासी तो यह सिखला न सके, वह काल को जीत नहीं सकते, तुम बच्चे काल को जीतते हो। वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वह फिर अपने संन्यास धर्म में आएंगे, प्रवृत्ति मार्ग में आ न सके। वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है, पवित्र बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की महिमा है। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है, सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होंगी। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाएंगे। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते। शिव जयंती यहाँ मनाते हैं, गाते भी हैं कि हे पतित पावन, निराकार बाप को ही याद करते हैं, भारतवासी ही गाते हैं, सबसे जास्ती पावन वही बनते हैं। तुम समझते हो बिल्कुल राइट बातें हैं। बाकी शास्त्र तो ढेर हैं, हर धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते हैं, नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। भारतवासी द्वापर से गिरते ही आए हैं, अभी सब पतित बन पड़े हैं। सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करती है, ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है। बाबा नशे और गर्व की बात बता रहे हैं कि जो सारे विश्व की आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, लिबरेट करते हैं, वह बाबा अभी हमारे सन्मुख भारत में आए हैं। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है, इनको अगर जान जाए तो सब एक पर ही फूल चढ़ाए, क्योंकि वह सबका लिबरेटर है। हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं, शिव बाबा तो मरते नहीं हैं, सबको शांति धाम ले जाते हैं। शिव के मंदिर जहाँ तहाँ हैं, विलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं, परंतु यह पता नहीं है कि हम इनको क्यों पूजते हैं।
बाप स्वयं बैठ समझाते हैं कि शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती भारत में ही होती है। शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है, बाप आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। भारत सबसे ऊंच है, नाम ही है पैराडाइज। तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। हम खुदाई खिदमतगार सेल्वेशन आर्मी हैं। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। गांधी जी ने फॉरेनर्स से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो नहीं हुआ और ही दुख हो गया। लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सतयुग में यह होता नहीं, वहाँ दुख की कोई बात नहीं। यहाँ तो कितने व्रत नेम रखते हैं, यह सब करते हैं श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, फादर शोज सन, सन शोज फादर। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो। इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भूल भुलैया के खेल में दिखाते हैं ना, जिस रास्ते से आते हैं फिर वापस जाने के लिए रास्ता भूल जाते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं परम धाम से यहाँ आते हैं पार्ट बजाने, फिर वापस घर जाने का रास्ता भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भक्ति में कितना माथा मारते हैं, परंतु बाप से वर्षा कोई ले न सके। भक्ति दान पुण्य करते करते माथा टेकते रहते हैं। रास्ता बताने वाला एक बाप ही है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताए। इससे सिद्ध है कि कोई भी जानते नहीं है, कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं है। अभी सब मच्छरों सदृश वापस जाने वाले हैं। सबके शरीर खत्म होंगे, बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुक तू कर वापस जाएंगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। मनुष्य दिवाली पर साल का फायदा नुकसान निकालते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्प की बात, अभी तुमको 21 जन्मों के लिए करना है। बाप को याद करने से जमा होगा, फिर 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है। इसलिए तो बाबा अटेंशन दिलाते हैं कि अभी संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना है। अभी का एक सेकंड व्यर्थ गवाया तो बहुत कुछ व्यर्थ गवाया। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अभी तुम अनुभव पा रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ लिखेंगे? शास्त्र आदि तो बाद में बनते हैं। शास्त्रों में है कि जमुना के कंठे पर महल थे, देहली परिस्थान थी। बिरला मंदिर में लिखा हुआ है 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्थान स्थापन किया था। गंगा जमुना नाम अभी तक चला आता है। वास्तव में ज्ञान गंगाए तुम हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं जितना गंगा का है। बनारस हरिद्वार में गंगा है, वहाँ बहुत साधु संत आदि जाते हैं। वहाँ जाकर कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा, विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते हैं और समझते हैं गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर काशी वास करते हैं, क्योंकि भक्ति में समझते हैं ना कि गंगा के कंठे पर रहते रहते शरीर छोड़ेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। आगे बलि चढ़ते थे, अब कहते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात और भक्ति मार्ग में क्या बात है, कितना कंट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई, देवियों पर जाकर बलि चढ़े, अभी तुम बलि चढ़ते हो। यह सब कुछ ईश्वर का है। बाबा कहते हैं अभी बलि चढ़ने में भी अंतर है, उसमें अपने आप को होम देते हैं, और यहाँ देह और देह के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन सब को बाबा के आगे अर्पण करना है। फिर अर्पण करने के बाद बाबा कहते हैं तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है, ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग। तुम तो अब नर्कवासी हो, बाप का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। बाप की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है, वह तो दाता है। यह सब बच्चों के लिए हैं।
शिव बाबा कहेंगे, तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं, शिव बाबा यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, फिर जब वापस लेते हैं तो कितना दुखी होते हैं। अब बाबा तुमसे लेते कुछ भी नहीं है, बाप सिर्फ कहते हैं इससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो। बाबा विधि बता रहे हैं, बाकी मैं लेकर क्या करूँगा, तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवाए हैं, यह हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती हैं। एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, जितना जो पढ़ते हैं वह बाप से इतना वर्षा लेते हैं। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, फॉलो फादर और मदर, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, यह है ना। वह पिता शिव बाबा आकर इनमें ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, इनसे एडॉप्ट करते हैं, वह मात पिता ठहरे, हम तो उनकी महिमा करते हैं। मैं इनके ब्रह्मा के मुख द्वारा कहता हूँ, तुम हमारे हो, तुमको मैंने एडॉप्ट किया है, फिर माताओं की संभाल लिए सरस्वती को मुकरर किया है, तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। बाप कहते हैं तुम हमारे हो, फिर बाबा कहते हैं अच्छा अब ट्रस्टी होकर रहो, गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो, सबसे अच्छा है यह रूहानी हॉस्पिटल खोलना। शिव बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे, ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं यह क्या करेंगे, इसके पास जो कुछ था सो शिव बाबा को दे दिया, ट्रस्टी बनना पड़ता है, यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है, तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं, ऐसे नहीं यह मकान शिव बाबा व ब्रह्मा बाबा का है, यह सब कुछ बच्चों के लिए है, तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसमें झगड़े आदि की कोई बात नहीं है, सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है, इतने सब ढेर बच्चे हो, पार्टीशन कुछ हो न सके, गवर्नमेंट भी कुछ कर न सके, यह ब्राह्मण बच्चों का है, सब मालिक हैं, सब बच्चे हैं, कोई गरीब कोई साहूकार यहाँ सब आकर रहते हैं, कोई की प्रॉपर्टी नहीं है, लाखों के अंदाज में हो जाएंगे, सब कुछ मीठे बच्चों के लिए हैं, तुम हो रूहानी बच्चे, तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो न सके, वह शूद्र जाति के, तुम ब्राह्मण जाति के, इसलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है, सन्यासी यह नहीं कहेंगे यह सब कुछ तुम्हारे लिए है, मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, मनुष्य निष्कामी हो न सके, जो करेगा उसको उनका फल जरूर मिलेगा, मैं फल ले नहीं सकता हूँ, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ, यहाँ मेरे लिए यह पुराना शरीर है, भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। बाबा कहते हैं इतनी ऊंच सेवा आकर अभी करता हूँ तो उसके यादगार में भक्ति मार्ग में बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, कितना गुह्य राज बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़े ही मुरली चलाएंगे, बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है, बाबा बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे आकर पढ़ाते हैं यह तुम जानते हो, डरने की कोई बात नहीं है, सब बाप के बच्चे हैं, जो कुछ बनता है बच्चों के लिए, ऐसे नहीं सबको यहाँ आकर बैठ जाना है। फिर बाबा साथ में क्लियर भी कर रहे हैं कि सब कुछ बच्चों का है तो सब कुछ छोड़ करके ऐसे नहीं कि बाबा के घर में आकर बैठ जाना है, तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है, सब आकर इकट्ठे रहे तो सारी दिल्ली जितना तुम्हारे लिए चाहिए, ऐसे तो हो न सके, फिर भी बाबा से योग लगाते रहो तो विक्रम विनाश होंगे, आत्मा गोल्डन एज बन जाएंगी, तब ही घर जाएंगी, मम्मा बाबा मुआफिक इज्जत से पास होकर जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पहला श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है, बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है, दूसरा पॉइंट ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी में भी ममत्व नहीं रखना है।
मात पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। आज प्यारे बाप दादा का वरदान है संबंध संपर्क में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संबंध संपर्क में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इसलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, न दूसरों के साथ संबंध संपर्क में आने में खिटखिट हो। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मण के बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। आज का स्लोगन है, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले सर्वंश त्यागी भव। अर्थात छोटी छोटी कमी कमजोरियां अवगुणों का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।